प्रस्तावकर्ताओं की धारण पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पूरा स्थापित करता हूँ। यह पुरस्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप समझते हैं। चलिए आगे। तो प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लोगों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने के 3 समरूप प्रस्ताव आए हैं। प्रवर समिति को भेजने के लिए 3 समरूप प्रस्ताव आया है। मैं सभी 3 प्रस्तावों को एक साथ लेता हूं। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव प्रस्ताव पेश करेंगे तथा माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह एवं श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव, श्री अमित कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, अभी जितना विषय विचार के लिए है उसको कर लीजिए। चलिए अमित जी, अभी जितना विचार आया है उसको कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अमित जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि झारखंड के विषय पे आपने अपना विचार लाया सदन में। बोलिए अमित जी, बोलिए। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए। माननीय सदस्य आसन पर जाए, 3 दिनों के अंदर आसन पर जाए। आज ऐसा विषय नहीं है, आप आसन पर जाए, आसन पर जाए। माननीय सदस्य आसन पर जाए। बोलिए बोलिए। माननीय सदस्य, चालाकी से कोई महत काम नहीं होता है, चालाकी से कोई महत काम नहीं होता है, चतुरता से महत काम नहीं होता है। आप जिस विषय पर चर्चा हो रहा है उसको आगे बढ़ने दीजिए, फिर वह विषय आएगा तो फिर चर्चा होगा। बैठिए, हम समझ रहे हैं आपका मनसा, हम समझ रहे हैं, हम भली भांति से समझ रहे हैं। इसीलिए आपको एक लाइन में बता दिया कि चालाकी से कोई महत काम नहीं होता है। बैठिए, बोलिए अमित जी, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, काहे खींच रहे हैं अंबेडकर जी को? ओह,
हम लोग अम्बेडकर जी को ज्यादा मानते हैं। चलिए अमित जी बोलिए, चलिए अमित जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज 1932 का यहाँ पे आया अध्यक्ष महोदय जी, निश्चित रूप से पूरा राज्य इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन इसमें जो कमियां और खामियां हैं, जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि इसमें जिसके पास खतियान नहीं है, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है, चाहे ग्रामीण शहर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे कहीं का क्षेत्र हो, उसमें एक विधेयक में आया हुआ अध्यक्ष महोदय कि वो ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव में आ जाएगा तो उसे 1932 का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय सिर्फ उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में साहबगंज का जो स्थिति है, आज के दिन में जामताड़ा की जो स्थिति है, और आज के दिन में जो शहरों की स्थिति है, तो वहां तो कोई भी वार्ड पार्षद हो, कोई भी मुखिया हो, अगर आम सभा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कह दे या फर्जी आम सभा कर दे और वो कह दे कि ये झारखंडी है, तो क्या सरकार उसको झारखंडी मान लेगी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है कि इसमें जिस व्यक्ति का खतियान नहीं है उसको एक स्व अभिप्रमाणित वंशावली देना चाहिए ग्राम सभा में, और उसको मुखिया के द्वारा प्रमाणित करना चाहिए, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचों उपरांत उसको फिर 1932 का दर्जा देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अन्यथा अभी जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का घुसपैठ झारखंड में हो गया और उसको यहाँ के लोगों के द्वारा राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम या फिर आधार कार्ड बनाया जा रहा है और उसको झारखंड के धरती से विदेशों में भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कल होकर के फिर यही दिन आने वाला है, झारखंडियों के अधिकारों पर दूसरे लोग आकर के बैठेंगे और झारखंडी को ये झुंझुना थमा दिया जाएगा कि आपको 1932 का हम खतियान दे दिए, लेकिन राज फिर दूसरे लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए यहाँ कड़ा कानून बने इसमें कि किसी भी आदमी का जिसके पास खतियान नहीं है, 1932 का खतियान नहीं है, ग्राम सभा में वो वंशावली दे, अभी प्रमाणित करके, स्व प्रमाणित करके वो वंशावली दे और मुखिया उसको सत्यापित करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचों उपरांत उसको सर्टिफिकेट मिले, और अगर ऐसा फर्जी करने वाला कोई अगर सामने आता है तो उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी लाइन को यहाँ विनोद कुमार सिंह जी इसको प्रस्ताव लाया अध्यक्ष महोदय। विनोद कुमार सिंह जी, आपका सुझाव क्या है? अध्यक्ष महोदय, हमारा सुझाव ये कि 15 नवंबर को राज्य के 22 साल हो जाएंगे और भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार में तो राज्य अलग हुआ, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयता के आधार में पहचान की लड़ाई राज्य अभी भी लड़ रहा है, और वो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा जो आज स्थानीयता विधेयक लाया है, क्योंकि 1985 ने इसे और संकुचित किया स्थानीयता ने, और राज्य ने जो मैट्रिक और इंटर आधारित किया वो राज्य के स्थानीय लोगों की जो आकांक्षा थी उसको वो वह विस्तार नहीं दे सका। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस विधेयक पे स्वागत करते हुए इसको सिर्फ समृद्ध करने के लिए दो प्रस्ताव जो हमारे थे उसको मैं, कि पहले ही है कि यह विधेयक यहाँ पारित हो जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है, जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये नई सचिव के तहत संविधान के रखा जाएगा, उसके बाद ही प्रभावित होगा, तो सरकार सबसे पहले इसकी रूपरेखा रखे, उसके लिए क्या कार्य योजना है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सुझाव था, जो अमित जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से कई ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, ग्राम सभा करें, लेकिन उस ग्राम सभा में जो खतियान आधारित लोग हैं, जिनका नाम खतियान है, उस ग्राम सभा के वो पार्ट अवश्य हो, ये बात जो है जरूर जोड़ा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरा जो हमारा सुझाव है अध्यक्ष महोदय, कि ये नाम जो है मूल उद्देश्य, नाम किसी का सुंदर स्पष्ट होना चाहिए, तो इस विधेयक की मूल चीज है खतियान आधारित स्थानीयता और उस स्थानीयता के आधार पर नियोजन, इसलिए मुझे लग रहा है कि नाम स्पष्ट रखना चाहिए था अध्यक्ष महोदय कि 1932 के आधार पर जो है वो स्थानीयता और नियोजन में प्राथमिकता स्थानीयता के आधार पर विधेयक 2022 वो रखा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा अध्यक्ष महोदय, नाम में उद्देश्यों की तो बहुत विस्तार रखा गया है, ये होगा वो, लेकिन ये जो स्थानीयता की बात है वो नियोजन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो हमारा सुझाव था कि ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट ना हो जाए कि चलिए स्थानीयता हो गई, पहचान हो गई, यूं तो वो है भी, लेकिन इसकी नियोजन में प्राथमिकता मिले, इसलिए स्पष्ट ये जोड़ा जाना चाहिए कि स्थानीयता से टंगने वाली चीज ना हो जाए, कि राज्य के स्थानीय निवासियों को
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राज्य सेवा की नौकरियों में इस स्थानीय के तरह के आधार पर नियोजन हो, उसके बिना ये महज एक पात्र हो जाएगा जो दस दीवारों में टंगा रहेगा अध्यक्ष हो जाए। इसलिए मैंने प्रवर समिति को कहा सरकार अगर संशोधन इसमें शामिल कर ले, समृद्ध कर ले, तो वो प्रस्ताव में वापस लेने को भी तैयार हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आप भी अपना पक्ष रख ले, तब मंत्री से उत्तर दिलाएंगे। इसे प्रवर समिति के सौंपने के लिए इसलिए जरूरी है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में राजनीतिक कारणों से लाया। इस पर और ज्यादा विचार की जरूरत है ताकि राज और राज्य के निवासियों के हित में हो, कोई कानूनी विवाद नहीं हो और राज्य हित में नागरिकों के मध्य कोई मतभेद और पक्षपात नहीं हो। यानी सभी दलों को बैठा कर यह सुझाव लेना चाहिए था। दूसरा चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 2016 में माननीय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री काल में यह जो है स्थानीय नीति लाया गया था, उसका विरोध हमारी पार्टी नहीं करती, हम इसके सपोर्ट में हैं, बाकी उसमें सुधार की जो आवश्यकता है। दूसरा चीज क्या है कि इसको तो कार्मिक विभाग से जो संकल्प था उसको निकलवा कर चिट्ठी को स्टेट गवर्नमेंट के पास है दिल्ली भेज कर, दिल्ली या भेजने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्री, अच्छा आपको बोलवा जवाब देना जी, बोलवा अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक अमित यादव जी, माननीय विधायक विनोद सिंह जी और चंद्रवंशी जी वरिष्ठ विधायक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये विधायक का अध्यक्ष महोदय जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने इसका रखा है अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अन्य सभी रोजगार से भी हम लोग इसको जोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सीमित दायरा हम लोगों ने नहीं बनाया था बल्कि अध्यक्ष महोदय इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है। अध्यक्ष महोदय, और माननीय विनोद सिंह जी और माननीय अमित मंडल जी, चंद्रोसी जी, अमित यादव जी माफ कीजिएगा, जो इनकी शंका है आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये सरकार बिल्कुल शीशे की तरह साफ ट्रांसपेरेंट काम करती है। आप लोगों की तरह लोगों को ठगने छलने का काम हम लोग नहीं करते। आप तो उदाहरण देख रहे हैं, इतने नियुक्तियां निकल रही है, कोई विवाद हुआ आपके तो सारे सीबीआई कोर्ट उर्ट में जाके लटक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, और तो और ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं अध्यक्ष महोदय, अभी देखिए 10वीं 12वीं का भी लोगों ने जाके कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। ये लोग ये गिरोह है अध्यक्ष महोदय, ये राज को बर्बाद करने का एक गिरोह के रूप में। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रवर समिति में भेजने का कोई उचित नहीं। अध्यक्ष प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें, मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में आए वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में आए वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूँ। खंड 02 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? भानु जी बैठिए, लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। कितना अच्छा होता आप अगर संशोधन देते तो, संशोधन देते तो कितना अच्छा होता। लंबोदर बोलिए, लंबोदर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022, इसका हम लोग पूरा पूरा समर्थन करते हैं महोदय। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान है, उस विधेयक के प्रावधान के धारा 2 परिभाषा के खंड क में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव रखता हूँ। विधेयक के खंड 2 क के अंतिम पंक्ति में खतियान में दर्ज है के बाद एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न शब्द जोड़ा जाए, 1932 या उसे पहले के सर्वेक्षण या खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में जिले का अंतिम सर्वेक्षण या उपलब्ध खतियानधारियों को भी झारखंड राज्य का स्थानीय माना जाए और इसी आधार पर राज्य में नियोजन हो। महोदय, मैं बताना चाहूँगा, पूरे राज्य का अगर हम लोग खतियान का स्थिति अगर देखें या सर्वे की बात करें तो महोदय, पश्चिम सिंहभूम में 1913 से 1919 तक का, रांची खूंटी सिमडेगा गुमला और लोहरदगा में 1927 से 1935 के बीच में, हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह चतरा और रामगढ़, इसका स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। पूर्वी सिंहभूम में 1934 से 1938 तक का ही दस्तावेज उपलब्ध है। महोदय, इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रस्ताव डाला है, संशोधन प्रस्ताव डाला है कि निश्चित रूप से जिस जिले में जो अंतिम सर्वे का जो उपलब्ध दस्तावेज है उसको आधार माना जाए। साथ ही महोदय, हम लोग इसे पूरे तरह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक का पूरा समर्थन है। इसमें महोदय एक अनुरोध यह है कि आज ये सरकार की ये दो संकल्प को अगर हम लोग देख ले, एक संकल्प है अधिसूचना संख्या 3846 10 अगस्त 2021 और एक 10 अगस्त 2021 का 3847। महोदय, इसमें मैट्रिक इंटर की बात है, नियोजन नीति में मैट्रिक इंटर की बात है, ये दोनों को विलोपित किया जाए और जो हम लोग प्रस्तावित विधेयक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, इसी स्थानीय नीति को ही नियोजन नीति का आधार बनाया जाए और इसी स्थानीय नीति के आधार पर झारखंड राज्य में नियोजन है। निश्चित रूप से अभी लाखों की बहालियां होने वाली है तो निश्चित रूप से बहाली से पहले निश्चित रूप से इस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति परिभाषित हो, ये मेरा संशोधन प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज जरा गोल गोल घूम करके आ रही है और वही उत्तर भी जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर जी काफी विद्वान और काफी प्रशासनिक समझ रखते हुए अपने सवालों को रखते हैं और इनको ये भी मालूम है कि ये चीजें किस तरीके से चीजों को उलझाया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और इस विषय पर और उसी पर आगे सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए और अभी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने भी पहले भी एक मांग रखी थी और उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि जो पिछले बार हमारे विपक्ष में मौजूद हैं उसमें सत्ता पक्ष में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग, जिन्होंने 85 का कट ऑफ डेट रखा था और उसकी सहमति भी
आंसू ने पुरजोर से किया था और उसी पर कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ने का प्रयास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें भी चिंता है, नियुक्तियां भी और होंगी और अध्यक्ष महोदय, इसी को मद्देनजर रखते हुए चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 क के अंतिम पंक्ति में खतियान में दर्ज है के बाद एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न शब्द जोड़ा जाए, 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण पब्लिक खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में जिले का अंतिम सर्वेक्षण या उपलब्ध खतियान धारियों को भी झारखंड राज्य के स्थानीय माना जाएगा तथा इसी आधार पर राज्य में नियोजन भी होगा। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है खंड 2 का 2, ये विधेयक के खंड 2.02 का की स्पष्टीकरण 2 अंतिम पंक्ति में सब पहचान एवं करने की मध्य वंशावली के आधार पर को अंत स्थापित किया जाए। कारण क्या है इसमें मैं देना चाहता हूँ कि यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि अंत में कोई कानून अधिक सचना निर्गत होने के बाद ही लागू होता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति ही जरूरी होता है, इसके बाद अधिसूचना लागू किया जाता है और कानून प्रभावी होता है। इसलिए सरकार यदि इसे लागू करना चाहती है तो यह संशोधन मान लेना चाहिए। प्रभारी मंत्री, भी विधेयक के रूप में आया है अध्यक्ष महोदय और हमने ग्राम सभा को इसमें हमने जो रखा है कि वो पहचान करेगा। अध्यक्ष महोदय, जो उसकी विस्तृत प्रक्रिया होता है वो तो नियमावली में आके बनेगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, किन किन बातों का ध्यान रखेगा और उसमें उनको क्या सरकार की तरफ से उनको उनकी पूरी विस्तृत कार्य योजना जो बनेगी वो बन जाएगी। अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ले कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक, चुप। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 के स्पष्टीकरण 2 के अंतिम पंक्ति में शब्द पहचान एवं करने की मध्य वंशावली के आधार पर को अंत स्थापित किया जाए, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 03 एवं खंड 04 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 03 एवं खंड 04 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 03 एवं खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में एक संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक में बहुत विस्तार है, बहुत विशिष्टता, लेकिन उसके साथ कुछ खास चीजों पे बिंदुओं पे जोर देना अति आवश्यक है और जो इसके साथ ही स्थानीयता के साथ नियोजन, और इसलिए मैंने कहा कि इसमें विशिष्ट बिंदु ये जोड़ा जाना स्पष्ट आवश्यक है कि राज्य की सरकारी सेवाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों में इस स्थानीयता के आधार पर जो है वो प्राथमिकता मिलेगी। माननीय प्रभारी मंत्री, विधेयक है, इसमें गंभीर होना पड़ता है सब मान्य सदस्यों को। अध्यक्ष महोदय,
मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों का जो उद्देश्य है अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है और रोजगार से संबंधित जो ये है, चाहे इसमें सार्वजनिक हो निजी हो, दोनों प्रकार के स्तर के जो रोजगार पर लागू हो सकता है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार ये संशोधन इस तरीके से करना चाहती है 6 में, इसमें एक और लाइन जोड़ा जाए अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही इसके बाद ठीक इसको करने दीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न यह है कि विधेयक खंड 05 की तीसरी पंक्ति में मत्स्य पालन और पर अधिमान्य के बीच चतुर्थ वर्ग की सरकारी सेवा को अंतस्थापित किया जाए, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 05 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, खंड 05 इस विधेयक का अंग बना। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, खंड 06 में जो लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसके नीचे एक और हम ये जोड़ना चाहते हैं, सरकार 6 को इसको माना जाए, इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार के वर्ग 3 और 4 के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। भार साधक सदस्य ने के प्रस्ताव पर विधेयक का खंड 6 यथा संशोधित पारित किया जाए, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, खंड 06 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। खंड 7 से खंड 8 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 7 से खंड 8 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, खंड 7 से खंड 08 इस विधेयक का अंग बना। खंड 01 में 2 संशोधन है। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, खंड 01 के विधेयक के खंड 03 में शब्द भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत यह स्थान पर शब्द अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से को प्रतिस्थापित किया जाए। ग्राम सभा जिस आधार पर निर्णय लेगी, कारण मैं बताना चाहता हूँ, ग्राम सभा जिस आधार पर निर्णय लेगी, इसलिए एक आधार वंशावली का हो सकता है, इसे जोड़ा जाना चाहिए। इसको तो कम से कम समझिए, जनरल बात है। नहीं, आप ठीक प्रभारी अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कह दिया अध्यक्ष महोदय, जी ग्राम सभा का जो नियमावली बनेगा अध्यक्ष महोदय, उसको विस्तृत रूप से चीजों को डाला जाएगा। तो महोदय, ये तो वो तो फिर हर चीज का एक एक आपको फिर बोलना, चिंता मत कीजिए आप। चलिए ठीक। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 01-3 में शब्द भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत के स्थान पर शब्द अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से को प्रतिस्थापित किया जाए, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव।